ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के और हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हुए और कहा कि पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूँ, अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम मांग तुझे क्या चाहिए। क्योंकि देवता लोग जो हैं वो तपस्या जो करता है उसे फल देने के लिए बाध्य होते हैं, चाहे वो असुर हो, चाहे वो देवता हो और चाहे वो मनुष्य हो। जो तप करता है उन्हें वरदान देने के लिए देवताओं को आना पड़ता है। हिरण्यकश्यप असुर था और उसे तो भगवान विष्णु से बैर था और उसे मृत्यु का भय था। वो जानता था कि मुझे त्रैलोक के पर अपना साम्राज्य स्थापित करना है। कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा हिरण्यकश्यप, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, तू मांग, तुझे क्या चाहिए। हिरण्यकश्यप ने एक साथ कई वरदान मांग लिए। हिरण्यकश्यप ने कहा कि प्रभु, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो आप ऐसा वर दीजिए कि मैं आपके द्वारा बनाए हुए किसी भी प्राणी से, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे प्राणी हो, देवता हो, दैत्य हो, नाग हो, किन्नर हो, मैं किसी से भी ना मरूं। देखिए, जो भयभीत आदमी होता है ना, उसे मृत्यु का बड़ा भय होता है। वो कहता है मैं किसी से ना मरूं। उसने कहा कि न मैं भीतर मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं। आपके द्वारा बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त, देखिए वरदान मांगने की कला देखिए। उसने कहा कि आपके द्वारा बनाए गए प्राणियों के अतिरिक्त मैं किसी और भी जीव के द्वारा भी मेरी मृत्यु ना हो, न मैं पृथ्वी पर मरूं, न मैं आकाश में मरूं। एक और बात, आपने जो 12 महीने बनाए हैं ना प्रभु, 12 महीने, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, अभी कौन सा महीना चल रहा है? ज्येष्ठ महीना। ज्येष्ठ महीने में कथा सुनने का बड़ा फल है। कहते हैं हिरण्यकश्यप कि 12 महीनों में से मैं किसी भी महीने में ना मरूं, किसी भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा जी बड़ी विपदा में पड़ गए। पहली बार किसी से पाला पड़ा ब्रह्मा जी का, पहली बार किसी ऐसे भक्त से पाला पड़ा जो ऐसे वरदान मांग रहा है। हिरण्यकश्यप के वरदान मांगने पर ब्रह्मा जी ने कहा कि ताते में दुर्लभाम पुंसाम यान वृषिणे वरान मम। कि हे पुत्र, तूने ये जो वरदान मांगे हैं बड़े दुर्लभ हैं। ताते में दुर्लभाम पुंसा, ये जो वरदान है बड़े दुर्लभ हैं। वृषिणे वरान मम, ये मेरे लिए तो अत्यंत दुर्लभ है, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही कि मैं क्या करूं। तथापि वितराम यम्य, तथापि, लेकिन फिर भी, वरान यद्यपि दुर्लभान, लेकिन मैं बाध्य हूं, मैं तुझे तेरे सारे वरदान दिए देता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, और हिरण्यकश्यप प्रसन्न हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा, तुम जो वर मांग रहे हो ये जीवों के लिए बड़े दुर्लभ हैं, परंतु दुर्लभ होने के कारण भी चूंकि मैं बाध्य हूं, मैं तुझे वर दिए देता हूं। कहते हैं कि ये जो देवता लोग होते हैं, ध्यान से सुनना, ये जो देवता होते हैं ये मंत्रों के, तपस्या के, जप के, तप के अधीन होते हैं। देवता किसके अधीन होते हैं? जप के, मंत्र के, तप के और साधना के। हमारी नीति कहती है, हमारी नीति में एक बड़ा प्यारा श्लोक आता है कि देवताधीनाश्च जगत सर्वम। ये समूचा जो जगत है ये किसके अधीन है? देवताओं के, पंच महाभूतों के जगत अधीन है। पंच महाभूत, सूर्य, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये सब देवता है ना, प्रकृति से ही तो ये संसार चलता है। तो कहते हैं कि ये समूचा जगत है ये देवताओं के अधीन है। देवता अधीनाश्च जगत सर्वम, मंत्र अधीनाश्च देवता। वो देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। देखिए, ध्रुव जी महाराज ने कल जप किया था ना आपके साथ मिलकर, कौन से मंत्र का जप किया था? मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा आनंद आता है जब आप मेरी कथा प्रसंगों को मुझे वापस सुनाते हैं और मुझे पुष्ट करते हैं। इससे इस बात का बड़ा प्रमाण मिलता है कि आप बड़े श्रुति श्रोता हैं, आप बड़ा ध्यान लगाकर कथा सुनते हैं। एक बार मैं पुरुषों से कहूंगा, एक बार माताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि से इनका अभिनंदन करें।
ऐसे श्रोता जो हैं वो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कहते हैं कि देवता दीनाश्च जगत सर्वम, मंत्र दीनाश्च देवता, ये देवता मंत्रों के अधीन हैं। आप राम 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 करते रहिए, सबसे पहले हनुमान जी आएंगे, राम नहीं आएंगे। सबसे पहले कौन आएगा? हनुमान। ये प्रकृति का नियम है, जब भी कोई देवता का जप करते हैं तो उसके गण पहले आते हैं। गण पहले आते हैं ना, भगवान शिव के बारात में सबसे आगे आगे कौन चलते थे? गण। जब भी कोई मिनिस्टर, यहाँ पर कोई राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति बैठा हो वो जान जाएगा इस बात को, जब भी कोई मंत्री आता है तो उस मंत्री से पहले कौन आता है? उसके अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं, कलेक्टर हैं, और जो भी बड़े बड़े अधिकारी, वे पहले आते हैं, फिर मंत्री आता है। तो कहते हैं कि मंत्र दीनाश्च देवता, ये जो देवता है ये मंत्रों के अधीन है। लेकिन ये मंत्र भी तो किसी के अधीन है, ये मंत्र किसके अधीन है? नीति कहती है कि ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनाश्च, ये मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मणों के। मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। मंत्र हमें, मंत्रों का ज्ञान कौन करवाता है? मंत्रों का ज्ञान हमें ब्राह्मण करवाते हैं, आचार्य करवाते हैं, विद्वान पुरुष करवाते हैं, महापुरुष करवाते हैं। मंत्रों का जो ज्ञान है वो हमें विद्वान और आचार्य करवाते हैं। तो ये जो मंत्र है ये मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ते मंत्र ब्राह्मणाधीनाश्च तस्मात ब्राह्मण देवता, इसी कारण से हम ब्राह्मणों को देवता कहते हैं। प्रेम से कहिए श्री राधे, ब्राह्मण को हम देवता कहते हैं ना, ब्राह्मण देवता भ्यो नमः, भू देवता भ्यो नमः। ब्राह्मण को देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि